नहीं, तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना? ये एडीडी के कैसे हो सकता है? तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही होगी। तुम दोनों बात का मजाक कर रहे हो ना? ये कैसे हो सकता है? क्या मैं मेरे कुकी को जानती नहीं क्या? मुझे पता है वो मेरा जंकू के कोई एडीडी के नहीं है वो। प्लीज समझने की कोशिश कर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जंकू के नहीं है बल्कि एडीडी के ही है। बस हमें उस पे नजर रखना होगा, उसकी हर एक हरकत पे। हम ऐसे ही उस पे फोर्स नहीं कर सकते हैं तय। और अगर हमने वैसे किया ना तो तुझे पता ही है नतीजा क्या होगा। तूने देखा नहीं एडी को कैसे चक्कर आ गए थे? प्लीज उसे बार बार एडी मत बोलो जी मीना। अब मैं आप सबको कैसे बताऊं कि वो मेरा कुकी है? क्या मैं नहीं पहचानूंगी क्या मेरे प्यार को? आप सब लोगों को वो जंकू होने का सबूत चाहिए होगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कोई भी सबूत, क्योंकि बहू चलो मान ही लेते हैं तुम्हारी बात को, लेकिन फिर भी हम उसके सामने ये सब नहीं बोल सकते डायरेक्टली, नहीं तो फिर से उसको पैनिक अटैक आ सकता है। नहीं तय बहू, शुगा ने उनको उनके अपार्टमेंट में छोड़ के दिया है अभी अभी। क्या? पर क्यों? और कैसा अपार्टमेंट? आप लोग मुझे एक बार भी क्यों नहीं मिलने दिए मेरे कुकी से? आखिर आप सब लोग चाहते क्या हो? तय बहू, इससे अच्छा तो मेरा मर ही जाना अच्छा है। जी मीना, तुमने मुझे जी मीना भाभी, तुम पागल हो गई हो क्या? शुगा ये तू क्या कह रहा है? हाँ पापा, मैंने सब कुछ सही कहा। और ताए, अब तुम मेरी बात सुनो अच्छे से। हाँ ठीक है शुगा, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि वो एग्जैक्टली है कौन, लेकिन मैं पता कर लूंगा जल्दी ही। और जहाँ तक मेरे दिल का सवाल है, मुझे ऐसे लगता है कि वो अपना कुकी ही है, वो मेरा भाई ही है। पर इस मामले में हमको शांति से काम लेना होगा, क्योंकि हम उस पे फोर्स नहीं कर सकते। और आप सब लोग प्लीज, हो सके तो उसके सामने नॉर्मल बिहेव करते जाना, जिससे उसको कुछ अजीब ना लगे और मिस नैंसी को भी ना लगे। नहीं तो आप सबको पता ही है कि क्या होगा, वो इस डील को कैंसिल करके रिटर्न चले जाएंगे, और वो हम हरगिज नहीं होने दे सकते हैं। यू आर राइट होबी, तो आगे से ध्यान रखना कि उसके सामने कोई इमोशनल ना हो और अपनी खून भरी आंसू ना बहाए, और ना ही कोई उसको बार बार जंकुक या कुकी कह के बुलाएगा। पर शुगा वो तो मुझे पता है टाय कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो। यकीन मानो हम सब भी वही फील कर रहे हैं जो तुम कर रही हो। इतने दिनों बाद उसको ऐसे अचानक से सामने देखकर मुझे भी
सही कह रहे हो शुगा, हमें इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा। Later. What the hell, Mr. Man? आप ऐसे ही किसी भी business partner को हमारे इस new project में कैसे शामिल करने का सोच सकते हो, हाँ? There is some rules and regulation, Mr. Man. हम ऐसे ही किसी को भी शामिल नहीं कर सकते new project में. I know, Mr. Jeho. पर वो एक अच्छी business woman है, बिल्कुल Miss Nancy की जैसी. और मेरी बहुत अच्छी friend भी है. Seriously, Mr. Man? Just because वो आपकी एक friend है, तो हम क्या उसको ले लेंगे इस new project? No, Mr. Sugar, आप गलत सोच रहे हैं। तो फिर आप ही बताइए ना Mr. Van कि आपको इसमें सही क्या लगता है। जवाब दीजिए Mr. Van, आपको Mr. Eddie कुछ पूछ रहे हैं। जी वो सर मैं। Mr. Van, क्या आप इस जियोन ग्रुप कंपनी को किसी मामूली कंपनी में गिन रहे हो जिसमें कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा और हम उसका वेलकम करेंगे? No, Mr. Namjoon, ऐसी बात नहीं है। देखिए Mr. Van, हम ऐसे ही किसी को भी इस न्यू प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर सकते और स्पेशली उन्हें जिन्हें हम जानते ही नहीं और ना ही कभी मिले हैं और ना ही कभी उनके बारे में कुछ सुना है। तो हमसे मिल लीजिए ना मिस नैंसी।
रहे हैं हमसे मिलने के लिए। Excuse me, who are you? Hello everyone, nice to meet you. Myself Kim Jenny. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।